हेलो फ्रेंड्स, हम आज का जो पहला व्लॉग था तो आज उसका दूसरा व्लॉग बना रहे हैं। और आज हमने इतनी सारी पूरी क्यों बनाई तो उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम अभी कार में जा रहे हैं, तो हमारे साथ है डीके दीपक पटेल, जो आज हम उसकी कार में जा रहे हैं। ये उसकी बेटी है, वाइफ है दर्शना बहन, और माँ ही है हमारी छोटी सी गुड़िया प्यारी सी, और ये मेरी वाइफ है हर्षा कोटड़िया, जो पूरी बना बना के थक गई है। और देखो आज हम अभी जा रहे हैं, 15-20 मिनट का रास्ता है, और चलो हम आज आपको दिखाते हैं लंदन की कैसी कैसी हिल होती है। बहुत मजा आएगा आप सबको, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं M1 की तरफ से नॉर्थ साइड, जो यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं, ये है मोटरवे M1 जिसको बोलते हैं। यहाँ की स्पीड होती है 70 माइल्स पर आवर्स, और आगे का रास्ता जाता है लुटन एयरपोर्ट और उस साइड से। तो अभी हम आपको आधे आधे रास्ते में थोड़ा थोड़ा वीडियो कट करके बताएंगे, देखते रहना। देखो ये रोड पे अभी हम थोड़ा अर्ली निकल गए हैं, तो ट्रैफिक बहुत नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी लोरिया है, लेकिन हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, तो हम सेफली सभी जगह पहुंच जाते हैं। देखो 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 ये लंदन के रोड, देखो मोटरवे हाईवे, देखो जैसे लग रहा है कि हम अहमदाबाद से सूरत जा रहे हैं और बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे है, इस तरह का हाईवा है। देखो यहाँ पे हमारी स्पीड थोड़ी कम होने जा रही है, 50 स्पीड है, लेकिन कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे थोड़ा ट्रैफिक होगा, उसके वजह से स्पीड यहाँ से कम कर देते हैं ताकि ट्रैफिक ना हो जाए, सबको वेट नहीं करना पड़े। ये हमारे देखो हर्मिस के बड़े बड़े ट्रक है, आगे देखो तो उससे आगे जाए तो अभी हम आपको बताते हैं कितनी स्पीड है। यहाँ आए तो अभी 40 की स्पीड हो गई है, 40 की स्पीड हो गई है, और आगे थोड़ा ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। अभी हम यहाँ से टर्न लेंगे, ये जो रास्ता लेफ्ट साइड जा रहा है रेडबर्न सिटी है, टाउन है छोटा सा, वहां से हमने लेफ्ट ले लिया है। यहाँ से 70 की स्पीड हो गई है, यहाँ से देखो हमने लेफ्ट ले लिया है, और लगातार हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये लगा छक्का, 60 पे जा रही है अभी हमारी गाड़ी। ये है हमारी सेफ्रॉन, जानी मानी पहचानी से इंडियन रेस्टोरेंट है, जहाँ हम लगातार वीक में कभी कभी आया करते हैं फ्रेंड के साथ, बहुत अच्छा खाना मिलता है, आप भी कभी कभी आइए ट्राई कीजिए। फ्रेंड रेडबर्न टाउन है यहाँ का छोटा सा, तो आप यहाँ के छोटे छोटे मकान, सब नए मकान है, ये पूरा नया इलाका बना हुआ है, तो सब जो प्रॉपर्टीज है यहाँ की सब नई प्रॉपर्टीज है, और थोड़ा अंदर पुराना टाउन भी है, वहाँ भी हम दिखाएंगे आपको जो रास्ते में आता होगा वो। तो ये देखो टाउन है यहाँ का छोटा सा, यहाँ के मकान प्रॉपर्टी हाउस तुम देखो, ये देखो फ्रेंड्स, ये जो रास्ता जाता है जैसे लगता है हम गांव में अपने खेतों में जा रहे हैं, इस तरह के रास्ते हैं, दोनों साइड पूरी ग्रीनरी लगी हुई है, और ये पक्का रास्ता भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता इस रास्तों पे, लेकिन आप दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि हम अब कहीं खेत में जा रहे हैं अपने गांव में। ये गेहूं के खेत भी है इधर, तो कितनी अच्छी झाड़ियां है, इतनी ग्रीनरी है कि बातें मत पूछो, इतनी मौज आ रही है, हमारे गाड़ी के कांच खुले और इतनी ठंडी हवा आ रही है, बाहर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इतने पौधे हैं इधर, अमेजिंग अमेजिंग। तो मित्रों हम अपनी मंजिल की नजदीक पहुंच गए हैं,
कंफर्टेबल हिल है, डाउन हिल, उधर जा रहे हैं। बस 2-3 मिनट में ही अभी आएगा और ये यहाँ का अच्छा सा रास्ता है। तो फ्रेंड्स हम अपनी हिल पे आ गए हैं, हमने हमारा बड़ा सा बुंगड़ ले लिया है, खाने पीने का सामान ले लिया है। चलो फ्रेंड्स तो अगला उतर। देखो फ्रेंड्स ये यहाँ का नज़ारा है, आप देख सकते हैं पूरी काफ़ी सारी हिल है इधर, और बस यहाँ सब लोग हिल का मज़ा लेते हैं, आते हैं खाना घर से लेके बैठते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, मौज करते हैं। डनस्टेबल डाउन हिल बोलते हैं इसको, ये जो इलाका है उसका एरिया का नाम। और बाद में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो आगे आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है वहाँ जो छोटे से चार्टर प्लेन होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए होते हैं, तो उसका सब लोग मज़ा लेते हैं और यहाँ जो फ्लाई होता है तो सब यहाँ से देखते हैं। देखो ये हमारा बुंगड़ हम इसको बोलते हैं काठियावाड़ी में, तो बुंगड़ हमने लगा दिया है, अब इस पे मौज करेंगे। और हमारी मौज आप तो पता है काठियावाड़ी मौज कैसी होती है। तो बस अभी जैसे जैसे फ्रेंड्स सब लोग आते जाते रहेंगे तो आपको इनवाइट करते सबको, जैसे सब लोग आ जाएंगे बाद में हम अपना भोजन का जो प्रबंध किया हुआ है वो भी साथ में सब भोजन करेंगे। ये यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ बस आप ऐसे ही बैठे रहो तो भी आपको इतनी ठंडी हवा ऐसी खुशबू मज़ेदार आती है। देखो फ्रेंड्स हमारे काफ़ी फ्रेंड्स आ गए हैं, अभी ये लेडीज़ डिपार्टमेंट इधर बैठ गया है, बाद में खाना बना रेडी करेंगे, अभी और फ्रेंड भी बाकी है। सब लोग ड्रोन लेके आए अपने अपने खुली जगह में सब खेलने के लिए। ये हमारे योगेश भाई पटेल जो हमारे हेमस्टर के बड़े यूट्यूबर है, जिसकी यूट्यूब चैनल का नाम है यूकेनी लाइफ, और उसके भी काफ़ी आपको देखना हो तो आ जाना यूके की लाइफ, यूकेनी लाइफ, मना में भुलाई गयू तू पर वांदो नहीं यूकेनी लाइफ। एटले आज हम दो यूट्यूबर यहाँ इकट्ठे हुए, खास हमारे फ्रेंड है, तो आप दोनों की यूट्यूब चैनल देख सकते हैं और सब्सक्राइब की कर सकते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया हिल है, अभी और मजा आएगा, शायद रात के कितने बज जाएंगे, शाम के रात को पता नहीं क्योंकि वेदर इतना अच्छा है। देखो ये जो योगेश भाई के पास बहुत अच्छा सा ड्रोन है, अराउंड 600 पाउंड का कॉस्ट है, बहुत कॉस्टली है, और उसके लिए उसको लाइसेंस भी लेना पड़ा है इसके लिए, ये उड़ाने के लिए। और ये हमारे जो ड्रोन है वो बहुत इतने उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती, हमारे पास भी एक दूसरा ड्रोन भी है, टोटल तीन ड्रोन है, ये बहुत बढ़िया है, इसका तो बहुत हाइट पे भी जाता है और क्लियरिटी की तो बात ही मत पूछो, आप इसके वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्लियरिटी क्या है। तो अभी देखते हैं योगेश भाई अपना ड्रोन तैयार कर रहे हैं। ये दीपक भाई का ड्रोन जा रहा है ऊपर, देखो 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 कितना ऊपर गया ड्रोन, ये इसके मास्टर बन गए ड्रोन उड़ाने के।
अभी अगर ऐसा हुआ तो शादी के वीडियो भी हम यहाँ ही बनाएंगे, हॉलीडे में जाएंगे तो भी, बस सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ, तो कहीं स्पेन वेन जाना हो तो फिर मजा आएगा इसका। देखो ये उसने अपने गोप्रो भी लगा लिया है, ये हमारे यूट्यूबर बहुत बड़े यूट्यूबर है, उसके पास हर कोई चीज है, बड़ा बड़ा कैमरा है, गोप्रो है, ये जो ड्रोन है, और बहुत कॉस्टली सब आइटम है। उसके वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो फ्रेंड्स ये हमारा ड्रोन अभी स्टार्ट हो रहा है, हो गया ये गया, बहुत बढ़िया स्पीड है और हाइट भी अच्छी ले रहे हैं। और ये सब आप यहाँ इसके मोबाइल में भी आप सब देख सकते हो कि जिस तरह का ऊपर जो शूटिंग उतर रहा है ड्रोन से अंदर। प्लेन ये देखो हमारे डीके दूसरे ड्रोन के चैंपियन है जो ड्रोन उड़ाने में, तो अभी वो अपना ड्रोन उड़ाते हैं, जो अभी सेटिंग कर रहे हैं थोड़ा सा। पकड़ो तो देखो हम प्रभु के साथ अपना ड्रोन लेके जा रहे हैं और वो अपना सिग्नल दिखा रहा है, उसके पीछे पीछे हम जाएंगे और ये हमारा शूटिंग उतर रहा है। हेलो, ऑलराइट जेके, यस બસ ઉતર જ છે, પણ આ ડ્રોન માં મસ્ત આવશે, ઉપરથી જે વિડિયો ઉતરશે ને બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ આવશે। આટલા બધા પ્લેન છે નવા ના? હા, એ પેલા હું માનું ત્યાં સુધી ટ્રેનિંગ કેવું જ હશે, આમ તો ટ્રેનિંગ પ્લેન જ હશે। देखो ये हमारे पीछे ये ऊपर ड्रोन दिख रहा है आपको, देखो मेरी फिगर उधर है, हाँ बहुत दूर है, और उस ड्रोन में हमारा शूटिंग भी उतर रहा है। देखो एकदम नज़दीक ला दिया है प्रभु जी ने, तो फ्रेंड्स हम थोड़े डाउन हिल जो बोल रहे हैं तो डाउन हिल की तरफ जा रहे हैं। ये जो रियल इसका नाम है, ऊपर बहुत बड़ी हिल है, ये जो डीप में ये पूरा एक छोटे छोटे ये जो आपको वाइट वाइट दिखा रहे हैं वो छोटे छोटे लकड़े के प्लेन है जो यहाँ सब अपने हॉबी के लिए आते हैं, आधे घंटे एक घंटे के लिए वो लोग उड़ाते हैं और उसका कुछ चार्ज होता है। और अभी तो कोरोना के हिसाब से ये सब कुछ अभी बंद किया हुआ है और हमने भी ज़्यादा जानकारी तो नहीं लिया, हमने सब कुछ ऑनलाइन सर्च किया हुआ है, लेकिन जब शुरू होगा तब हम ज़रूर इधर आएंगे और इसका भी व्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह के उड़ते हैं और कैसे मज़ा आता है इसमें। अभी देखो एक छोटा सा ट्रैक्टर चल रहा है, वो पूरा ये उसका ग्राउंड है, जो छोटा सा एयरपोर्ट है उसका पूरा ग्राउंड है। और हम बहुत काफ़ी नीचे आ गए पूरा डाउन हिल से, वो जो हमारे फ्रेंड से योगेश भाई वो अभी ड्रोन से सब शूटिंग शूट कर रहे हैं। ये देखो कितनी ग्रीनरी है, जैसे आप जंगल में आ गए इस तरह का माहौल है यहाँ का, बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आज हमारी पार्टी शुरू हो गई है, जो हमने सीक्रेट आपको बताया था कि पूरी के साथ क्या क्या होगा, तो देखो ये देखो पूरी बनी हुई है, ये बटेका का साग है, तीन लोग बटेका का डिफरेंट डिफरेंट साग बना के लाए हैं। ये तो तीजू, तीजू क्या है, ये क्या है? अच्छा हम आता नहीं था इसलिए, ये इसमें क्या है, सास है,
काटो तो सांस खोलो। देखो ये पूरी के डब्बे देखो, पूरी देखो, पूरी देखो, चाहे पूरी जान यहाँ जमाना हो इस तरह लाए हैं सब लोग। और ये सब लोग देखो इतने भूखे हुए हैं, इतने भूखे हुए के बातें मत पूछो। सब लोग जॉब से डायरेक्ट आए हैं। ये है हमारा काठियावाड़ी मजा, जहाँ भी जाओ मौज करो, खाओ पियो मौज करो। ये हमारे तीन छोटे मुझने बच्चे हैं। प्रीत हेलो करो बेटा, रीवा हेलो करो बेटा, माँ है। ये इसमें गाजर भी है, गाजर का डब्बा खोलो, हम सबको दिखा दे कि हम लंदन में कैसी मौज कर रहे हैं। देखो ये मेथिया गाजर है, राय वाला गाजर है, देखो इसमें छाछ है, छाछ अभी तक किसी ने नहीं खोली। देखो ए ब्लू आइस वाली छाछ है, जिसका मजा कुछ पुदीना वाली छाछ है। देखो 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 कैसी छाछ है, और इतनी ठंडी है। देखो सब लोग इतना जल्दी से चालू कर दिया खाना, मेरी वेट भी नहीं कर रहे कोई लोग कि सुरेश भाई आप बंद करो, आ जाओ और पहले खाना खा लो। चलो तो फिर मैं खाना खा लेता हूँ, मिलते हैं बाद में। मैकाओ मैकाओ, देखो ये कितना अच्छा यहाँ का पैरट है, आप देख सकते हैं। और वो अपने मालिक के साथ आया है, लेकिन मालिक कहीं घूम रहा है तो ये यहाँ बैठ गया है, उसकी वेट कर रहा है। जो है ने डोकमा पेलू पेयर, उसके डोक में वो पहनाया हुआ भी है कि ये बोल भी रहा है, बहुत बढ़िया है। ये स्कूल के बच्चों की ट्रिप भी इधर आई है, तो बच्चे लोग भी इधर आ रहे हैं। देखो सब बच्चे मस्त है ना प्रभु। मकाओ गोपाल भाई जोड़े आओ जतो, नहीं डिफरेंट कलर है तो वाइट। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो सब पब्लिक इधर आ रही है वीडियो उतारने के लिए, फोटो खींचने के लिए। देखो कितना घसारा हो गया इधर, देखो पब्लिक का, देखो सब लोग इधर आ रहे हैं। बच्चे लोगों को ऐसा देखने का बहुत मजा आता है, लेकिन उसकी टीचर बोले चलो सब लोग बच्चों निकलो अपनी वैन में चलो, ज्यादा भीड़ हो रही है इधर। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। अभी देखो तो कितने बजे हैं यहाँ के, अभी शाम के 7:30 बजे है, लेकिन सूरज दादा अभी भी ऐसे ही है, चाहे दोपहर के 2 बजे ऐसा वेदर लग रहा है यहाँ का। गर्मी भी अभी इतनी है, काफी लोगों ने मलोरका की टोपी भी पहनी हुई है। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। देखो ये इसका मालिक आ गया, देखो ये उसका मालिक है और जा रहा है नीचे लेके। सब लोगों ने खाना खा लिया है, और अभी ये क्या चटक बचक चल रहा है, ये सब लोग गोलियाँ खा रहे हैं। गोलियाँ जो इंडिया से आई है, हमारे एक फ्रेंड अभी लास्ट वीक इंडिया से आए थे, तो वो वहाँ अहमदाबाद, अहमदाबाद के वो माणिक चौक है ना, माणिक चौक से ये सब चॉकलेट लेके आए हैं। हैंड मिल भी बनाया है, विंड मिल, हाँ वो विंड मिल कहते हैं ना हमको, मेरे को वो हिंदी में थोड़ा लफड़ा होता है ना, तो ऐसा सब कुछ हो जाता है, तो समझ जाना आप तो समझते ही है, बहुत समझदार आदमी है जो वीडियो मेरा देख रहे हैं वो लोग। देखो ये वाटरमेलन वाला है,
ये पाइनएप्पल वाला है और ये बनाने वाला बनाने का है। तीनों हमारे लड़के जो इधर है उस तीनों ने ये बनाया है, खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। तीनों बे लड़के देखो अभी बॉल से खेल रहे, उसको इतना मजा आ रहा है। हिल भी इतनी अच्छी है। કેમ છો પ્રભુ, મજામાં? બસ જો, શું કરીશું હવે આપણે? હું વિચારતો હતો આપણને છોકરાઓ રમવા દેશે, ફૂટબોલ રમવો છે કે આપણે ઊભી ખો રમવી છે? મને ઊભી ખો નથી આવડતી, એ તો શીખી જાઉં। અમારે પાસે એક ટીચર હે, પીટી કે ટીચર હે, વો અમે સિખાયેંગે કેસે ખેલને કા। તો ચલો ફિર દેખતે હૈ અભી આગે આગે ક્યા ખેલતે હૈ હમ। बड़े लोग भी छोटे बच्चों के साथ मिल गए हैं और अच्छी तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं। ये है हमारे प्रभु जी जगदीश भाई और सुरेश भाई ठुम्मर, सभी लोग फुटबॉल गेम खेल रहे हैं अभी। ओ, काफी लोग उधर बैठे हैं। હાલો હાલો, બધા રમીએ, તમારે રમવું તો અહીંયા મૂકી દો, હાલો યહાં દેખો કાફી લોગ કાઇટ ભી ચગા રહે, અપને ઇન્ડિયા કી તરહ કાઇટ હોતે હૈ ઇસ તરહ કે, લેકિન યહાં કે કાઇટ થોડે ડિફરન્સ હૈ ઓર દોરી ભી ઉસકી અલગ તરફ સે હોતી હૈ। देखो ये गोरे लोग चगा रहे हैं। हमारे पास भी काइट है सेम इंडिया के और फिरकी वाले दोरी भी है, लेकिन थोड़ा जल्दी में भूल गए आज, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे। चलो चलो फुटबॉल मैच चालू करू, हालो चलिए। आधा पौना घंटा, दो हमारे फ्रेंड थे वो थक चुके थे फुटबॉल खेल खेल के, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। चलो तो दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा किस तरह का है। पूरी झाड़ियाँ है, देखो गांव में जैसे चल के जाते हैं उस तरह का रास्ता है। ये भी पूरी झाड़ियाँ है इधर, સ્પેશિયલ વોક માટે જ બનાવેલા છે ને। આપણે જંગલમાં ક્યાંય જાઉં તો ત્યાં બધી અમુક રસ્તા હોય એટલે પછી લોકો એના ઉપર જ ચાલ્યા જતા હોય એમ, એને જ ફોલો કરે ને। કહેવાનો મતલબ કે તમે ગૂગલમાં ચાલવાનો રસ્તો શોધો ને, હા તો એમાં બતાવે, એટલે સુધી આ લોકોએ પેલું બધું દેખો। સામને એક બહુ બડી ઓર દૂસરી હિલ હૈ, વો યહાં સે કાફી દૂર હૈ, પબ્લિક વહાં ભી હોતી હૈ, સબ લોગ ખાના લેકે આતે હૈ, મોજ કરતે હૈ પૂરા દિન। યે દેખો નીચે કા નજારા દેખો આપ,
साहेब नी कमेंट्री केवी लागे छे के जो पछी बराबर। तो हम तीनों फ्रेंड देखो कितना आप देख रहे हैं वीडियो में, कितना क्लियरिटी देख रहे हैं। यहाँ का वेदर है, सनी भी है, अभी गर्मी तो है, पसीना हो रहा है, लेकिन क्या करें, पसीना तो निकलना पड़ेगा ना। विंटर, पूरा विंटर हम बैठे बैठे खाना खाते हैं, बस यही 4-5 महीना होता है, जो खाओ पियो मौज करो और पसीना निकालो, वॉक करो, इतना। क्या बोलते हैं मित्रों, क्या बोलते हैं प्रभु आप, चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? डेफिनेटली साइकिल चलानी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप आते नहीं हो, एक बार भी आए नहीं हो। अरे आप मेरे को बुलाए बिना निकल जाते हो, नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। हम, मेरा टारगेट है, हम जाएंगे तो पहले 5 माइल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे 7, 8, 10 जो हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या, पहली बार हम जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए ना, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से साइकिल नहीं चलाया, साइकिलिंग नहीं किया। साइकिलिंग करने का बहुत शौक है मुझे। वैसे ऐसे इलाकों में आओ साइकिल लेके, ओह माय गॉड, इमेजिंग, बढ़िया मज़ा आएगा समर में। चलो तो फिर हम यहाँ से मुड़ जाते हैं। देखो हेलो, चौक करिए फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं। देखो रात के 9:30 बज गए, फिर भी अभी सूरज ढला नहीं है और आप देख रहे हो अभी भी तड़का है। देखो ये बुंगड़ बुंगड़ सब हंकेलना होगा अब। और रात के 9:30 बजे भी देखो, आप देखो कितना तड़का रहता है इधर। लेकिन पवन थोड़ा है तो फिर सब लोगों को ठंडी लग रही है, तो फिर हम जा रहे हैं। देखो ये हमारी टीम पूरी काम कर रही है। बुंगड़ हके लिया है, बुंगण हलवाया नहीं है, हमने बुंगण हके लिया है। कभी कभी किसी का बुंगण हलवाया जाता है, पर हमारा बुंगण हलवाना नहीं है आज। ज्यादातर हमारे काठियावाड़ी लोगों का बुंगण हलवाता है, लेकिन आज हलवाना नहीं है, क्योंकि सबको एक साथ घर पे जाना है, तो फिर इसको हम नहीं बोल सके आज हमारा बुंगण हलवाना है। प्रीत हम नाइलो जा आने, वीडियो उतरता जा बताइनो। हम चालू से हम बताए आवे। चलो तो अभी हम घर पे जा रहे हैं मित्रों। हम आगड़ जा बताए आवे। हेलो मित्रों, अभी हम घर पे जा रहे हैं, रात के 9:30 बज गए। ये भी देखो आप कैसा वेदर है, बहुत मजा आ रहा है ना प्रीत? हाँ। प्रीत आज मजा है ना? हाँ। दूरी बाजू नो रख, तड़को आओ से। हाँ। ला पकड़ तो। चलो मित्रों बस, चलो बाय बाय कही दो बता, चलो बता बाय बाय कही दो प्रभु। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम घर पे जा रहे हैं, वापिस एक दो वीक के बाद आएंगे कुछ नया बना के। तब तक मिलते हैं, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे प्रभु की जो चैनल यूट्यूब चैनल है यूकेनी लाइफ, उसको भी आप देखते रहिए। देखो ये यहाँ का लास्ट में अभी कुछ आया है तो मैं आपको बाइक बता दूँ। ये बहुत बड़ा एक्सपेंसिव बाइक है, सुजुकी का, ये है BMW का बाइक है, और 1200cc जैसा होगा ये शायद। सब लोग मौज में है आज, सबको बहुत मजा आया है इधर पिकनिक का, बहुत मजा लिया है। चलो प्रभु मिलते हैं बाद में, चलो जेके चलो, यहाँ का कार पार्क भी दिखा देते हैं। हम लोग जा रहे हैं घर पे और काफी लोग अभी भी आ रहे हैं, 9:30 बजे भी अभी लोग आ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। देखो कैसा लंदन का वेदर है, आप यहाँ ये देख के आप समझ सकते हैं।
चलो प्रीत, थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो शूटिंग। चलो मिलते फिर फ्रेंड्स। ये 9:30 बज गए अभी, देखो तो टाइम देखो तो, और देखो फिर भी अभी जैसे हम आए थे ऐसा ही अभी टेम्परेचर ये सब आपको दिख रहा है। वाह, ये हमारे गांव का रास्ता वापिस आ गया है। ऊपर से झाड़ एक दूसरे को मिल रहे हैं, पूरा लोकेशन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, बढ़िया रौनक वाला। हाँ, स्ट्रेट रोड तो पहला कने जाए, आई थिंक के आगनो रोड तो आपने पहलू टेम्पल, बुद्धा टेम्पल ना, हजी आगे आवशे, बुद्धा टेम्पल वालो रोड हजी आगे।